वेलकम टू माय चैनल। क्या हाल चाल है? सब ठीक ठाक है? अल्हम्दुलिल्लाह, हम भी ठीक ठाक हैं। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग भी ठीक ठाक होंगे। तो आज आई हूँ मैं एक नई वीडियो के साथ। इसमें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी ट्रेंड्स के बारे में, ट्रेंड इधर किस तरह यूज़ होती है। तो आज था ट्यूज़डे और बच्चों को मैं स्कूल छोड़ आई थी। आके मैंने नाश्ता वगैरह किया और आयजा को करवाया। तो आज कल मैंने शुरू की है वॉक, क्योंकि मुझे लगता है मेरा वेट बहुत ज़्यादा हो गया है रोज़ों में। तो मैंने कहा, सोचा कि उसको कंट्रोल करूं और वॉक करनी शुरू करूं। तो मैं खाना सुबह का नाश्ता करके वॉक करने चली जाती हूं। तो मैंने सोचा मैं आज ना ट्रेन स्टेशन तक चलती हूं, आप लोगों को भी दिखाती हूं इधर कौन सा कार्ड वगैरह यूज़ होता है, किस तरह ट्रेन पे सफ़र किया जाता है। तो मेरे साथ साथ रहिएगा और मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिसने नहीं किया, और मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। और एंड पे मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगी, जो मैंने पिछली वीडियो अपलोड की है होम टूर की, तो उस घर की मैं प्राइस भी बताऊंगी वो कितने का है, और उसके बारे में बताऊंगी। इसलिए मेरे साथ साथ रहिएगा। और चलिए जी, हम चलते हैं जल्दी जल्दी से स्टेशन की तरफ। ये देखें, नीचे से ना हमारे फ्रीवे गुजर रहा होता है, इधर से ऊपर से नज़र आता है। ये थोड़ी ढलान के ऊपर है और बीच में ये रास्ता बना हुआ है स्टेशन तक जाने के लिए। वैसे तो फुटपाथ भी है दूसरी साइड से, लेकिन ये बीच में रास्ता बना हुआ है और लोग साइकिलिंग वगैरह करते हैं और वॉक करते हैं। चले जी, हम पहुंच गए हैं स्टेशन के ऊपर। ये क्या कहते हैं इसको, ये पार्किंग बनी हुई है और इधर लोग जो लोग सिटी में जॉब करते हैं वो इधर गाड़ी पार्क करके तो सिटी चले जाते हैं ट्रेन पे। तो क्योंकि जिनके स्टेशन से दूर होते हैं, हमारा घर तो ज़ाहिर पास ही है, तो हमें नजम सुबह वॉक करके आते हैं और स्टेशन पर जाते हैं, क्योंकि वो भी सिटी में जॉब करते हैं तो उनको भी बाई ट्रेन ही जाना होता है। तो वो ट्रेन पे ही जाते हैं और वॉक करके इधर आते हैं। और मोस्टली लोग इधर ना सिटी में जॉब करते हैं और वो ट्रेन ही यूज़ करते हैं। ट्रेन का सफ़र बहुत इजी है इधर, और हर सुबह और शाम के टाइम हर 5 मिनट के बाद ट्रेन आ रही होती है। ये जकाना स्टेशन है, तो ये मतलब हर स्पब में एक स्टेशन बना होता है, और ये जकाना का स्पब है। स्पब का नाम जकाना है और स्टेशन का नाम भी जकाना ही है। पीछे हम जो जिस इलाके में रहते थे वो ग्लेनरॉय का इलाका था, और वैसे ये भी ग्लेनरॉय है जिसमें हम रहते हैं, लेकिन इसको स्टेशन जो लगता है ना वो जकाना का स्टेशन ज़्यादा नज़दीक होता है। ग्लेनरॉय और जकाना स्टेशन के बीच में हमारा घर है जिधर हम रहते हैं। तो इधर हम जकाना स्टेशन यूज़ करते हैं हम, क्योंकि इधर हमें नज़दीक है ये। और मैं अब जाऊंगी नेक्स्ट वाले स्टाप पे, क्योंकि आयजा बहुत तंग करती है स्टेशन की तरफ। मैं कम ही आती हूँ, अगर आऊँ तो ये इसको ये होता है कि मुझे बस स्टेशन पे लेके ट्रेन पे बिठाएं। ट्रेन आती है तो फिर ये तंग करती है। ये देखिए, ये ऊपर से फ्रीवे नीचे से जो गुजर होता है इधर ऊपर से, बहुत प्यारा लगता है। और अब आयजा तंग करने लग गई, तो अब मैं ट्रेन पे भी बैठ के आप लोगों को ट्रेन के अंदर का व्यू दिखा दूँगी, और कौन सा कार्ड यूज़ होता है वो भी मैं दिखाऊँगी आपको। ये देखिए, प्लेटफॉर्म 1 और 2 है, तो 2 पे मैं बैठूंगी, 2 वाली ट्रेन में लूँगी। और ये जो है ना, टैप करना होता है इधर कार्ड। मैं आपको ये आयजा ने ऑलरेडी जो है ना कार्ड टैप कर दिया था, और आयजा के साथ ना बहुत तंग करती है मुझे। ये वी लाइन गुजर के गई है, ये दूर इलाकों में जो जाती है ना उसको वी लाइन बोलते हैं। ये देखिए, माइकी कार्ड है और ये इसके ऊपर टैप करते हैं तो फिर ये देखिए ये आ रहा है, टच ऑन किया है, लेकिन वो ऑलरेडी टच ऑन कर दिया हुआ है ऐसा ने। तो इस तरह ये इसके ऊपर बैलेंस वगैरह चेक हो जाता है कि कितना बैलेंस है, और ये एक अगर बैलेंस ख़त्म हो जाए तो ये इसमें के अंदर डलवा सकते हैं, ये कार्ड भी यूज़ कर सकते हैं, पैसे वगैरह भी डाल सकते हैं, तो इसमें पैसे चेक भी कर सकते हैं। मैं अपने पैसे चेक करती हूँ मेरे पास कितने माइकी के अंदर पैसे हैं। तो अभी मेरे पास है $349 है इसके अंदर,
मैं देखती हूँ मेरे पैसे कितने लगते हैं एक सबाब से दूसरे सबाब तक जाते हुए। ये स्टेशन के ऊपर ये आई का मतलब है इंफॉर्मेशन लेने के लिए, ये रेड बटन लगाया गया और एक ग्रीन है, ग्रीन से अगर प्रेस करें तो ट्रेन के बारे में पता चलता है कि नेक्स्ट किस टाइम की ट्रेन आ रही है उसका बता देती है एक औरत। लेकिन अभी ये वर्क नहीं कर रही, मुझे लगता है पिछले वाला हमारा जो स्टेशन है वो बन रहा है, अंडरग्राउंड हो रहा है जिसकी वजह से ये ना काफ़ी बिजी जा रहा है, तो इस वजह से ये तो रेड का मतलब है कि आप लोगों को एमरजेंसी में कुछ ज़रूरत हो तो आप रेड प्रेस कर सकते हैं अचानक कोई एमरजेंसी वगैरह। तो अभी आ गई थी ट्रेन, अब मैं ट्रेन पर बैठूँगी। जी मैं आ गई हूँ इधर ब्रॉड मेडोज स्टेशन के ऊपर, इधर मैं उतरी हूँ अभी। तो ये हमारे से पिछले वाला एक स्टॉप है, मतलब हमसे आगे वाला एक स्टॉप है सबर्ब है, इसको इसका नाम ब्रॉड मेडोज है। तो इसके अच्छा ये जो हम कार्ड यूज़ करते हैं ट्रेन के लिए, इसका ये होता है कि जब हम उतरने लगे फिर भी हमें टैप करना पड़ता है, जब जाएँ तो फिर टैप करेंगे। देखिए टैप वाले ये इधर लगे हुए हैं, तो जब बाहर निकलने लगे फिर टैप करें। और ये इंफॉर्मेशन के लिए बना हुआ है, कोई भी इंफॉर्मेशन लेनी हो या कोई इधर सेंटर बना हुआ है। ये हमारे सबब से थोड़ा बड़ा वो है स्टेशन है, तो इधर शॉपिंग सेंटर है, इधर लाइब्रेरी है, हर तरह की शॉप है इधर। अगर मतलब तो जिसको ड्राइविंग वगैरह नहीं आती वो स्टेशन पे बैठ के तो ट्रेन पे बैठ के तो इधर तक आ सकता है। काफ़ी इधर फैसिलिटीज़ है ट्रेन की और बसेस की भी हैं, लेकिन बसेस से ज़्यादा मुझे ट्रेन ज़्यादा अच्छी, क्योंकि हर 5 मिनट बाद आ रही होती है और बसेस को 15-20 मिनट का वेट करना पड़ता है उनके आने का। तो ये देखें इधर शॉप्स वगैरह, इधर डॉक्टर की भी शॉप है, अगर डॉक्टर वगैरह के पास आना है, अगर ड्राइविंग नहीं है गाड़ी नहीं है तो आप बाय ट्रेन आ सकते हैं। तो ये एक रेस्टोरेंट था अरेबिक, इधर कबाब वगैरह मिलते हैं, तो अभी ये बंद किया हुआ था, ऐसा तंग कर रही थी मुझे लेना है लेकिन वो बंद था, तो इस वजह से मैं वापस आ गई। इधर लाइब्रेरी भी है बाहर निकल के, तो मैं किसी दिन आपको ना लाइब्रेरी का भी मैं बताऊँगी, लाइब्रेरी इधर किस तरह होती है और किड्स की भी प्ले एरिया वगैरह होता है, प्ले स्टोरी टाइम वगैरह होता है उधर। अगर मतलब जैसे आयजा 3 ईयर ओल्ड है, उसको किंडर नहीं करवाया, तो आप इधर लाइब्रेरी आके तो उनकी मतलब बाकायदा एक टीम होती है जो बच्चों को पोइम्स वगैरह पढ़ाती हैं और स्टडी वगैरह करवाती हैं। मतलब छोटे बच्चे ने क्या पढ़ना होता है, सिर्फ एक्टिविटी होती हैं छोटी मोटी, कलरिंग वगैरह कुछ इस तरह की, तो वो करवाती हैं। तो वो अगर मतलब जैसे शुरू में मुझे ट्रेन मतलब गाड़ी जब मैंने चलानी नहीं सीखी थी, मेरे पास लाइसेंस नहीं था, तो बाय ट्रेन ही मार जाया करते थे, क्योंकि जब से वो जॉब पे जाते हैं उनका पूरा डे जॉब पे होता है, तो फिर जब फ्री हो तो बंदा ऐसी लाइब्रेरी में भी आ सकता है, तो मैं आती होती थी। तो अभी हम वापस जा रहे हैं और वापस जाने के लिए ये अंडरग्राउंड बना हुआ है, ट्रेन के दूसरी साइड पे हमें जाना पड़ेगा, क्योंकि मैं प्लेटफॉर्म 2 से आई थी, तो अभी मुझे दूसरी साइड पर जा कर तो दूसरी ट्रेन पर बैठना है, तो मैं इस ट्रेन पर बैठूँगी। ये मैं फास्ट वीडियो इसलिए की थी कि वीडियो बहुत लंबी हो जाने थी, अगर मैं मतलब इसी तरह नॉर्मल स्लो में करती तो इस वजह से फिर मैं जल्दी जल्दी ट्रेन पे बैठूंगी। ट्रेन में आने का टाइम मैं चेक करती हूँ कितना है। ये देखिए अब हम इधर टैप दोबारा करेंगे अपनी माइकी को, अगर मैं टैप नहीं करूँगी तो ऐसे ही बैठ जाऊँगी, तो फिर वो मतलब वो फिर पैसे उतने ही कटेंगे, तो इसलिए मुझे जब मैंने हमने उतरना है फिर भी टैप करना है, जब हम दोबारा बैठने लगे फिर उसको टैप करेंगे। और टैप करना नहीं भूलना, अक्सर औकात ऐसे होता है हम टैप करना भूल जाते थे, फिर वो मतलब इधर पैसों का हिसाब ये है कि इधर भी देखिए बटन ग्रीन और रेड लगा हुआ है, इधर पैसों का हिसाब ये है कि
2 घंटे अगर हमने एक दफ़ा टैप किया है ना ये माइकी को, तो 2 घंटे हम कहीं भी सिटी तक जा सकते हैं, सिटी तक सफ़र करके आ सकते हैं 2 घंटे में। तो हमारे उतने ही पैसे लगेंगे जितने 2 घंटे, अगर 2 घंटे से ज़्यादा हो जाते तो फिर हमारे पूरे डे के पैसे लगेंगे। पूरे डे के मुझे लगता है $9 या $8 कुछ लगते हैं, कहीं भी जाना हो मतलब सिटी तक जाना हो। तो अभी हम ट्रेन में बैठ के हैं, वापस जा रहे हैं, तो ये अंदर से काफ़ी खुली ट्रेन्स हैं और बहुत ही मज़े का सफ़र होता है, बिल्कुल भी चक्कर नहीं आते या कुछ इस तरह कुछ भी नहीं, दिल ख़राब नहीं होता और इतना मतलब अच्छा लगता है ट्रेन का सफ़र। क्योंकि मैं शुरू शुरू में जाती होती थी सिटी, तो उधर मैं इंग्लिश कोर्स करना होता था तो मैं ट्रेन पे ही जाती थी और मुझे बहुत मज़ा आता था। तो मैं शुरू में जब इधर आई थी ना तो अच्छा लगता था ट्रेन का सफ़र। कोई रश नहीं होता ज़्यादा, और ये देखिए ये ऊपर बिल्कुल आ रहा होता है कि जिधर ट्रेन जानी हो या उसके बारे में वो खुद ही औरत बोल रही होती है। एक मैं ज़्यादा ट्रेन की नहीं बना सकती थी क्योंकि मतलब व्लॉग बैठे हुए थे तो ऐसे अच्छा नहीं लगता कि किसी की बनाना वीडियो, तो मैं जितना हो सकता था तो मैंने वो किया, नीचे से बनाने की कोशिश की है। और अब हम उतर गए थे, हमारा बाबा आ गया था स्टेशन, तो अब बाय बाय करेंगे ट्रेन को और चलेंगे हम घर, और साथ में मैं आपके साथ बातें करूँगी। मैं आज ज़्यादा स्लो बोल रही हूँ, पता नहीं क्यों, ये बच्चे बहुत तंग कर रहे हैं, इनकी तबीयत ख़राब है, दोनों बेटे मेरे घर पर हैं तो, और ये जो है ना कभी अंदर आओ तो कभी बाहर जाओ, बस ऐसे ही कर रहे हैं, तो मुझे वॉइस ओवर नहीं करने दे रहे। बच्चे स्कूल में ही अच्छे रहते हैं, टीचर उनको सीधा करके रखती हैं। तो चले जी हम आ गए थे वापस, और देखें मौसम कितना प्यारा हो गया है और धूप निकल आई आज। तो मौसम हमारे इधर थोड़ी सर्दियाँ स्टार्ट हो गई हुई हैं, काफ़ी सर्दी है, तो आज दिन निकला है सूरज तो काफ़ी मज़ा आ रहा है, काफ़ी दिनों बाद निकला है। अभी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मेरे कितने पैसे कटे हैं इधर, तो मेरे साथ मैं बताती हूँ मेरे साथ क्या हुआ आज। और इतना शुक्र है कि कोई पुलिस वगैरह नहीं आई या कुछ इस तरह, क्योंकि ट्रेन पे इंस्पेक्टर भी होते हैं, बाज़ुगा चेक इन कर रहे होते हैं किसी ने टैप किया है कि नहीं किया, क्योंकि बाज़ुगा लोग ऐसे ही बैठ जाते हैं ट्रेन पे, तो वो बहुत डर होता है, तो इस वजह से फिर ना टैप ऑफ और टैप ऑन ज़रूर करना होता है। तो अभी मैं ये कर रही हूँ टैप ऑफ, और उसके बाद मैं आप लोगों को बैलेंस चेक करके बताऊँगी कि मेरे कितने पैसे कटे हैं। अभी है $1.85 है अब रह गया, और तकरीबन $2 कटे गए या कुछ $2 कुछ सेंट कटे गए हैं। तो मैं हैरान थी, मैंने घर जा के नज़म से भी बात की कि इस तरह है, तो उन्होंने कहा कि शायद तुमने ना कोई, उन्होंने माइकी चेक की तो वो माइकी फाइव के लिए की थी, गलती से मुझसे टैब होगी, क्योंकि किड्स की भी माइकी डिफरेंट होती है, उनकी प्राइस कम होती है। अब जैसे अगर अडल्ट ने किया सफ़र तो 2 घंटे के उनके $4 कटते हैं, दो घंटे में आप सिटी तक कहीं भी जा सकते हैं, 2 घंटे के अंदर अंदर अगर वापस आ जाते तो आपके उतने पैसे कटे जाते हैं, लेकिन अगर 2 घंटे से ऊपर हो जाते तो पूरे डे के पैसे कटते हैं, पूरे डे के मुझे लगता है $8 या $9 कुछ इस तरह होते हैं। तो फिर मुझे हुआ कि मतलब मुझे नहीं पता चला ना, वो गलती से वो टैब हो गई, और मैंने कहा मैंने वीडियो बना लिया तो मुझे अपलोड भी करना है और इसलिए, लेकिन ये है कि बाज़ुकात गलती इस तरह हो जाती है, मेरे पास 2 माइकी थी तो वो माइकी गलती से हो गई। तो ये देखिए ये मट्टी का ढेर बना हुआ था ना जब हम वापस जा रहे थे, तो अब देखिए सारा उन्होंने क्लीन कर दिया, रोड भी इस तरह क्लीन कर देते हैं फटाफट से। तो अभी मैं फटाफट से आपको बता देती हूँ पहले जो मैंने होम टूर शेयर किया था उसकी प्राइस क्या थी। उसकी प्राइस एक नहीं मैं बता सकती क्योंकि ऑक्शन पे इधर मोस्टली होते हैं, उधर वो सिटी से थोड़ी हट के है, मतलब उधर शॉपिंग सेंटर वगैरह इतने करीब नहीं होते, स्कूल इतने करीब नहीं होते, तो इस वजह से उधर ना जगह लेके और पूरा पैकेज होता है, पहले जगह खरीदी जाती है फिर उसके ऊपर घर बनते हैं, और उसका पूरा पैकेज होता है $7 लाख पाकिस्तानी, 7 करोड़ से $8 लाख इधर के पाकिस्तानी 8 करोड़ के बीच बीच में होता है, तो उसकी प्राइस है। तो अभी मैंने ये एक क्लिप लिया था मदर डे पे, मेरे बेटे ने मुझे फ्लावर दिया था जब मैं उनको उसको स्कूल लेने गई थी, तो मैंने वीडियो बना ली। चले जी मैं इधर ही अपनी वीडियो को एंड करूँगी, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, आऊँगी नई वीडियो के साथ। ओके अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।